कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आज लास्ट वाली चीज़ को हमने डिस्कस करना है, वो है थ्योरीज ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। दो तरह की थ्योरीज हैं, एक हमारे पास प्लेट थ्योरी आएगी, एक हमारे पास रेट थ्योरी है। ये असल में कॉलम की एफिशिएंसी को बयान करने के लिए थ्योरीज बनाई गई हैं कि कॉलम किस तरह हम एफिशिएंट बना सकते हैं, किस तरह अच्छी रेजोल्यूशन आ सकती है। अच्छी रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि आपको जो मिक्सचर दिया गया है उसके कंपोनेंट को किस तरह अलग कर सकते हैं। ये वाली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ आज हमने सीखनी है। तो ये कितनी तरह की थ्योरीज हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ थ्योरीज टू एक्सप्लेन द एफिशिएंसी ऑफ कॉलम। कितनी थ्योरीज हैं, दो। देर आर टू थ्योरीज दो थ्योरीज हैं टू एक्सप्लेन, वजाहत करने के लिए, टू एक्सप्लेन वजाहत करने के लिए। किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन द एफिशिएंसी ऑफ कॉलम, टू एक्सप्लेन द एफिशिएंसी ऑफ कॉलम। कॉलम की एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज हैं। अब उन दो थ्योरीज का नाम क्या क्या है, पहले हमारे पास आएगी प्लेट थ्योरी। पहले जो थ्योरी का नाम है ये हमारे पास क्या है, प्लेट थ्योरी, प्लेट थ्योरी। और इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है रेट थ्योरी, रेट थ्योरी। इन दोनों थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे आज। जिस थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे वो है प्लेट थ्योरी। सिर्फ और सिर्फ प्लेट थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे कि प्लेट थ्योरी के अंदर कहा क्या गया था, प्लेट का मतलब क्या है। सही, ये सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। चलें हेडिंग दे लें प्लेट थ्योरी की, प्लेट थ्योरी। अब प्लेट थ्योरी के मुताबिक इसकी मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट थोड़ी सी लिख देता हूँ। इसके अंदर क्या कहा था, कहता है जो कॉलम है ना आपका, उसको मुख्तलिफ प्लेट्स के अंदर डिवाइड किया गया, जिसमें मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो दो फेजेस के अंदर एक इक्विलिब्रियम हासिल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक इक्विलिब्रियम हासिल कर लेते हैं। ये थी जो हमारे पास प्लेट थ्योरी। अब इसको एक्सप्लेन भी करेंगे इसका मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक क्या बात है, इस बात को सीखिएगा। द कॉलम मुश्तमिल होता है लार्ज नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। पर देखें मैंने वर्ड लिखा है थ्योरेटिकल, मतलब क्या है, थ्योरेटिकल कहते हैं जो ख्याली हो, असल में वो चीज़ ना हो। कहते हैं बहुत सारी थ्योरेटिकल प्लेट्स होंगी, कहाँ पे, ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स इन विच, जिसमें क्या होता है, इन विच, जिसमें द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर का कंपोनेंट्स होते हैं, मिक्सचर इज क्या करते हैं, इज गेन इक्विलिब्रियम अपने आप पर इक्विलिब्रियम कायम कर लेते हैं। किसके दरमियान इक्विलिब्रियम कायम करना है, बिटवीन टू फेजेस, दो फेजेस के दरमियान में, मतलब वो कौन सी फेजेस, एक हमारे पास आती है मोबाइल फेज एंड और सेकंड नंबर हमारे पास आ जाती है स्टेशनरी फेज। ले जीजिए था जी इसकी स्टेटमेंट। अब इसका मतलब समझना है, अगर इसका मतलब समझ आया तो समझ लेंगे हमें प्लेट थ्योरी समझ आ गई है। अब इस थ्योरी के मुताबिक वो ये कहता जी आपका जो कॉलम है उसके अंदर बहुत सी छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं। प्लेट्स असल में इमेजिनरी प्लेट्स हैं, यानी कि हमने सपोज करनी होती हैं। तो ये और इसका जो कॉन्सेप्ट आया था, आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ी होगी जिसमें हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अलहदा करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट वहाँ से आया। तो ये दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन प्लेट थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द
कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट थ्योरी, प्लेट थ्योरी जो प्लेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है इज बेस्ड ऑन ये बुनियाद रखता है ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम के अंदर हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं उसके ऊपर बुनियाद रखता है। मतलब आपने इस तरह का को पढ़ा होगा कि इस तरह का एक हमारे पास टावर होता है जिसके अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, यहाँ से पेट्रोल का हम क्या करते हैं हीट करके यहाँ पे अंदर का इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुख्तलिफ कॉलम्स बने होते हैं, यहाँ प्लेटें लगी होती हैं जहाँ पे हर एक फ्रैक्शन हम अलग अलग कर रहे होते हैं, सही है। और इस टावर को, ये पेट्रोलियम टावर होता है, हर एक फ्रैक्शन को हर एक जगह पे आप अलग कर लेते हैं, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले पेट्रोलियम, ये बेसिक क्लासेस के अंदर होती है 9th-10th के अंदर। सो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, यानी कि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो याद रखिएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। जिस तरह यहाँ पे क्या होता है, हर एक कंपोनेंट अपना है, हर एक जगह पे अलहदा हो रहा होता है, मसलन कुछ कंपोनेंट यहाँ पे अलहदा हो जाता है, कुछ कंपोनेंट यहाँ पे, कुछ कंपोनेंट यहाँ पे, इसी तरह हर एक जगह पे सबसे टॉप के ऊपर जो जिसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे टॉप पे जमा होगा। तो इसलिए कहता जी इस थ्योरी की बुनियाद भी तकरीबन इसी तरह की है, आपने कॉलम को मुख्तलिफ कंपोनेंट के अंदर खुद तसव्वुर करना है, इमेजिन करना है, इमेजिन कर लिया समझ लिया आपका काम हो जाएगा, आपको ये थ्योरी समझ आ जाएगी। अब थ्योरी के मुताबिक है क्या, इस थ्योरी को समझिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉलम बनाऊंगा, मेरे पास इस तरह का कॉलम होता है, कॉलम के अंदर क्या कौन सी चीज़ होती है वो भी देख लेंगे। ये हमारे पास कॉलम है, अब कॉलम के बिल्कुल नीचे हमने एक प्लग लगाया था, ये स्टॉपर कह लें जो रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल करता है, इसके ऊपर हमने इस कॉलम की पैकिंग की होती है, यहाँ पे रुई वगैरह लगाई होती है, इसके ऊपर एसिड वॉश सैंड की एक लेयर चढ़ाते हैं, और इससे ऊपर हम रखी होती है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज जो अमूमन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपने बिल्कुल फाइन पाउडर या बिल्कुल स्मॉल साइज़ की स्टेशनरी फेज का इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, आपने स्टेशनरी फेज इस्तेमाल की, जो कॉमनली यूज़ होने वाली स्टेशनरी फेजेज होती हैं वो सिलिका है, एलुमिना, सिलिका को हम अमूमन इस्तेमाल कर रहे होते हैं और एलुमिना को भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास स्टेशनरी फेज को स्टेशनरी फेज कहते इसलिए हैं क्योंकि ये मूव नहीं करती, अपनी एक जगह पे खड़ी रहेगी, जबकि मोबाइल फेज जो होती है वो इसके अंदर मूव करती रहती है, इसके अंदर मूव करती रहेगी, ये बात आपने सिंपल सी याद रखनी है। तो ये मेरे पास स्टेशनरी फेज आ गई, स्टेशनरी फेज के बाद आपने क्या करना जी, आगे हमारे पास जो आप मिक्सर को अलहदा करना चाहते हैं उस मिक्सर के यहाँ वैसे इसे वो सैंड फिर डालते हैं, इसके ऊपर आपके पास आ जाते हैं जी मिक्सचर के कंपोनेंट्स, और इससे ऊपर हमारे पास मोबाइल फेज आ जाएगी, इससे ऊपर हमारे पास फिर मोबाइल फेज। अब मोबाइल फेज ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है, मूव करने के बाद मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो आप अलहदा करना चाहते हैं वो सारे के सारे अलहदा हो जाते हैं, नीचे की तरफ मूव करेगी। अब इस थ्योरी के मुताबिक वो ये कहता है कि आप इस कॉलम को छोटी छोटी प्लेट के अंदर, छोटे छोटे सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर दें, छोटे छोटे सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर दें। मैंने जी इतने सेगमेंट के अंदर इसको डिवाइड कर दिए, 1, 2, 3, देखे जी ये हमारे पास सेगमेंट बनते जा रहे हैं। कहता हर एक सेगमेंट के अंदर इक्विलिब्रियम कायम होना होता है, हर एक सेगमेंट के अंदर इक्विलिब्रियम कायम होना होता है, सही है। और याद रखिएगा एक होता है जी लेंथ ऑफ कॉलम, लेंथ ऑफ कॉलम पूरे कॉलम की लेंथ नहीं होती, जितनी आपने स्टेशनरी फेज डाली होती है उतने कॉलम की लेंथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल के साथ, इसको जो अमूमन हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो किससे करते हैं एल के साथ। अब इसके बाद जो हमने इसके अंदर छोटी छोटी प्लेट्स बनाई है ना, जो छोटे छोटे सेगमेंट बनाए हैं, इस सेगमेंट की अगर मैं लंबाई की बात करता हूँ, इतनी लंबाई की बात, इसको याद रखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, इसको कहते हैं हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट, जो आपने थ्योरेटिकल प्लेट सपोज की है उसकी हाइट है, ये क्या है हमारे पास हाइट इक्विवेलेंट टू, हाइट इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट, थ्योरेटिकल प्लेट, ये हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट है भाई, ये बात याद रखिएगा। और ये हमारे पास क्या हो गया, एल आ गया। अब इसके अंदर जितनी टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स मैंने बनाई है जितनी भी हैं, देखते हैं कितनी, 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी हैं, ये मैं इसको सपोज कर लेता हूँ ये एन है, ये क्या है एन, एन क्या है हमारे पास नंबर ऑफ प्लेट्स, एन क्या है हमारे पास नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, ये भी याद रखिए, स्मॉल एंड हम मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब खुद सोचें अगर मैं इसकी सिर्फ हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट निकालना चाहता हूँ,
सिर्फ और सिर्फ हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट। तो ये किस तरह निकाल सकते हैं, यहाँ मैं इक्वेशन एक लिखने लगा हूँ, चेक कीजिएगा। हाइट इक्विवेलेंट टू एच इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट, ये हमारे पास आ जाएगी कितनी, एल को डिवाइड कर दो एन पे, लेंथ को डिवाइड कर दो एन पे, तो हमारे पास हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट आ जाएगी। हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट, लीजिए हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है, एल का आपको पता हो, एल हमारे पास क्या है, वेयर, यहाँ पर मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, वेयर एल क्या है, लेंथ ऑफ कॉलम, लेंथ ऑफ कॉलम पैकिंग, कॉलम पैकिंग, ये कॉलम पैकिंग की लेंथ है जी असल में। इसके बाद एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट, थ्योरेटिकल प्लेट्स, ये हमारे पास नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स है। इसके बाद एच क्या है, एच है हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट, एक प्लेट की कितनी हाइट है, मैं सिंपल जबान में कहूँ हाइट, ई आई जी एच टी, हाइट इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट, थ्योरेटिकल प्लेट, ले जी ये हमारे पास सारी की सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब इसके बाद कहता है ये जो n होता है ये किस पे डिपेंड कर रहा था, अगर मैं n की वैल्यू निकालता हूँ ना, n की वैल्यू हमारे पास आती है कुछ ये वाली 4TR, ये जो n होता है ना स्मॉल n, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, ये जो n है ना स्मॉल n, हमारे पास बराबर होता है 4TR, या RT भी बाद दफ़ा लिख देते हैं, रिटेंशन टाइम कहते हैं, बात याद रखिएगा, RT ओवर W, और इसका हमारे पास आ जाएगा होल स्केयर, इसका हमारे पास होल स्केयर आना है, बाद दफा टी आर भी लिख देते हैं, आर टी याद रखिएगा रिटेंशन टाइम है, और ये क्या है, विड्थ ऑफ पीक, सही, यहाँ भी याद रखिएगा, वेयर यहाँ पर, वेयर आर टी है क्या, रिटेंशन टाइम है, ये हमारे पास क्या है, रिटेंशन टाइम है, डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ पीक, विड्थ ऑफ पीक, जो पीक की विड्थ है उसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा रिटेंशन टाइम क्या होता है, मैंने यहाँ से सैंपल को पुट किया, पुट करने के बाद ये कितनी देर में ये नीचे से ऊपर से आपका मोबाइल फेस कितनी देर में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, कितना टाइम लगा इसको, वो जो टाइम है उसको हम रिटेंशन टाइम कहते हैं, वो जो टाइम है उसको हम रिटेंशन टाइम कहेंगे, बस इतनी सी बात याद रखिएगा। अब इसके बाद मैं अगर इसकी वैल्यू n की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो फिर चेक कीजिएगा, मैं n की वैल्यू ना वहाँ पुट करने लगाऊँ तो ये क्या बनेगा मेरे पास, h इज इक्वल टू एल ओवर, अब n की वैल्यू पुट करने लगाऊँ, n की वैल्यू है 4RT रिटेंशन टाइम ओवर 4RT ओवर W का होल स्केयर। अगर मैं इसको बराबर करूँ ना, मैं इस 4 को ना बाहर निकाल लेता हूँ, काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 4 बाहर आएगा, अब यहाँ पे देखो बाहर इस यहाँ पे आ जाएगा L ओवर 16, ये आगे वाली चीज़ इस तरह कुछ बन जाएगी, W ऊपर चला जाएगा ओवर RT, ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब हुआ क्या, यहाँ पे मैंने R का स्केयर लिया, R का स्केयर देख लेंगे L के नीचे ही आएगा, मैं L को बाहर निकाल लिया, L ओवर 16 W ओवर RT का स्केयर, यानी कि जो आपको पता है जो चीज़ डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में हो नोमिनेटर में चली जाती है, यहाँ पर सिंपल बात ये LW हो गया, LW 16 RT स्केयर हुआ है, 16 RT स्केयर। अब जो कॉलम की एफिशिएंसी होती है ना उसको किस तरह प्रूव करता है वो पहले बाद में देखेंगे, अब इस चीज़ को समझिएगा, ये जो मैंने बात लिखी है यहाँ पे कि जो थ्योरेटिकल प्लेट की, तो समझ आ गई कि थ्योरेटिकल प्लेट है ख्याली प्लेटें होंगी जिसमें हमने पूरे कॉलम को डिवाइड कर रखा होगा, पूरे कॉलम को डिवाइड कर रखा हो, इसको हम थ्योरेटिकल प्लेट का नाम दे रहे होते हैं। मैं कहता हूँ जी मैंने एक थ्योरेटिकल प्लेट इस तरह कुछ बनाई है, मैं चार ये कुछ थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ सपोज कर रहा हूँ, ये इस तरह को काम नहीं होता, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं करूँगा, ये वाली चीज़ मैं सिर्फ और सिर्फ समझाने की हद तक रखूँगा, याद रखिएगा इसमें कोई भी लॉजिक नहीं होगा, सही है, इससे आपको क्या होगा काम थोड़ा सा आसानी से समझ आ जाएगा, इससे आपको ये वाली चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी, इसी मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको।
मैं कहता हूँ ये थ्योरेटिकल प्लेट्स जो यहाँ बनाई नहीं, ये हर एक जो पट्टी बनाई है ना मैंने, ये असल में एक एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। सही। अब आपको पता जी, मैंने कहा दो फेजेस के दरमियान में इक्विलिब्रियम कायम होना है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। मेरे पास इस तरह मैं इसके दरमियान में लाइनें लगा रहा हूँ, एक साइड में मोबाइल फेज लिखूँगा, एक साइड में मैं स्टेशनरी फेज का बात करूँगा। सही है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ जी, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ले जी, ये मैं कुछ इसके पार्टीशन कर रहा हूँ, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें लगा रहा हूँ ये असल में सेगमेंट्स हैं। कौन किस चीज़ के सेगमेंट्स हैं, जिसको मैंने थ्योरेटिकल प्लेट का दिया। मैंने कहा जी सपोज किया कॉलम के अंदर 5 थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं। कितनी थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं, 5 थ्योरेटिकल प्लेट्स। सब मैं देख रहा हूँ, मैंने 5 ही बनाई हैं। मैं कहता हूँ जो शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में मैंने ऊपर से मिक्सचर डाला, मिक्सचर डालने के बाद मेरे पास मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है उसके मैं कहता हूँ सपोज किया वो 64 है, 64 कंपोनेंट्स है। अब मुझे पता जी ये दो फेजेस मैंने बयान किए हैं, ये एक मेरे पास कहता हूँ जी ये स्टेशनरी फेज है, ये मोबाइल फेज है। सेम इसी तरह स्टेशनरी मोबाइल, स्टेशनरी फेज है, मोबाइल फेज है। सेम इसी तरह स्टेशनरी फेज मोबाइल फेज, एस एम यानी एस स्टेशनरी फेज को रिप्रेजेंट करेगा, एम मोबाइल फेज को। स्टेशनरी मोबाइल, स्टेशनरी मोबाइल, स्टेशनरी और मोबाइल फेज। सही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक बात लिखी है कि इसको कॉलम को आपने डिवाइड कर लेना है कितने हिस्सों में, कितने जितने भी आप करना चाहते हैं, यानी थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं, कोई भी हिस्सा नहीं है। यानी कि हम थ्योरेटिकल प्लेट्स में डिवाइड कर लेंगे, हर एक थ्योरेटिकल प्लेट में इक्विलिब्रियम मेंटेन होना होता है स्टेशनरी फेज के दरमियान में और मोबाइल फेज के दरमियान में। अब इक्विलिब्रियम का मतलब समझिएगा, इक्विलिब्रियम कहते हैं कि जितनी मिकदार स्टेशनरी फेज में आ सकती है उतनी मिकदार स्टेशनरी फेज में चली जाए, जितनी मिकदार मोबाइल फेज में आ सकती है उतनी मिकदार मोबाइल फेज में आ जाए। इस चीज़ को हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अब देखिए मैं कहता हूँ जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए यहाँ से हाफ इस साइड में चलेंगे, अब ये हाफ जाएंगे तो ये 32 बन जाएगा, ये भी 32 बन जाएंगे, ये भी 32। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इसमें से जो हाफ होते हैं वो नीचे मूव कर जाते हैं। अब देखें मतलब मोबाइल फेज को, क्या मोबाइल फेज ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है, इसलिए मैं 32 को 16 यहाँ पे ले के आऊँगा। सही है। मेरे पास क्या आएगा, 32 यहाँ पे 16, यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे, 16। अब इसके बाद क्या होता है, आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप में, अब देखिए ये इस तरह स्टेप जा रहे हैं, ये इससे नेक्स्ट, अब इसके नेक्स्ट ये वाला आएगा, इस तरह कुछ जा रहे हैं स्टेप। याद रखिएगा ये सिर्फ समझाने की हद तक है, इस तरह का कोई कॉलम के अंदर काम नहीं हो रहा होता, वैसे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की बात कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे तो आ गए जी 32 और 16, यहाँ पे 32 और 16 तो आ गए हैं। अब बाकी काम क्या करना है आपने, बाकी काम क्या होगा, यहाँ पे भी 16 है। अब यहाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए यहाँ से 8 ही साइड में, यहाँ से 8 ही साइड पर मूव करने हैं तो 8 वहाँ पे रहेंगे। ले जी ये मेरे पास क्या आ गए, 8 यहाँ पे आ गए और 8 यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है जी, ये वाली चीज़ 32 16 8 और 8 यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना होता है कि आपके मोबाइल फेज फिर नीचे की तरफ मूव करेगी, मूव करने की वजह से आपके मोबाइल फेज के आधे कंपोनेंट दोबारा फिर यहाँ पे मूव कर जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे 32, यहाँ पे 16, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 रह जाएगा और 4 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 4 यहाँ से मूव कर रहा है, 4 मॉलिक्यूल। ये जो 4 लिखा है ये असल में मॉलिक्यूल्स है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं। 4 मैं सपोज करूँ कि मेरे पास 4 है, मैंने 64 लिए शुरू में, किस तरह वो नीचे की तरफ मूव करते हैं, वो थोड़ी सी चीज़ समझने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे आ गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होना होता है कि ये वाली चीज़ यहाँ पे मूव करनी है, इस चीज़ ने यहाँ मूव करना, चेक करते हैं यहाँ पे 32 16, ये वाला 32 16 ही रहेगा टॉप पे, 32 और 16, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4। लेकिन अब देखें यहाँ से यहाँ मूव किया, 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे रहे, 2 यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है कि आपके मोबाइल फेज के आधे फिर यहाँ पे मूव कर जाने हैं। सही। जिसकी वजह से हमारे पास 8 और यहाँ पे 4 2 1 1। सही। अब 1 आ गए यहाँ पे मॉलिक्यूल, कितने आ गए हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल, 1 आ गए। सही। अब 1 का आधा इधर आ जाना है, एक का, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है हर एक फेज के दरमियान। देखें इसके दरमियान में इक्विलिब्रियम मेंटेन किया, आधा इधर आया, सेम इस तरह यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करूंगा, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम, जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम में मेंटेन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 0.5 आ जाएगा, 2 1 0.5 यहाँ 0.5,
नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है वो आपको पता है, 0.5 में से भी हाफ इधर, यानी कि इस तरह की थ्योरेटिकल प्लेट्स बनती हैं जिसमें मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के दरमियान में इक्विलिब्रियम मेंटेन होना होता है और आपकी मोबाइल फेज आपके कंपोनेंट मिक्सचर को नीचे की तरफ मूव करवाती रहती है। तो ये बात समझिएगा, इस यही हमारे पास असल में थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं और यही कॉन्सेप्ट है कि दो फेसेस के दरमियान में, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के दरमियान में इक्विलिब्रियम मेंटेन होना होता है। कौन सी चीज़ मेंटेन होनी है? इक्विलिब्रियम मेंटेन होना है, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है।